hello students welcome to oppedia my name is rishabh your faculty of english and i hope you all are doing fine and uh, i also hope that uh, you have started your preparation for nabat phase 2 right and uh, very less time that you have left okay so please utilize this time and uh, for your preparation i am I'm, i am coming up with the new video and in this particular video we are going to discuss like how to score 70 plus in English descriptive, right? With a very realistic approach, okay? And uh, the important things that you need to keep in your mind while uh, preparing for the NABARD phase 2 termination, right? Especially English descriptive, okay? So, uh, first of all, I hope that till the time you have uh, discovered like what is your strength and what is your weakness, okay? Because it is very important, like you need to realize what is your strength. Okay. So, uh, I am assuming this thing that you have analyzed your preparation and you have analyzed yourself. Uh, in the meantime, you have also analyzed, like, what is your strength and what is your weakness, so that you can uh, prepare accordingly. Okay. So, let us start our today's session. And uh, so, this was uh, our result.

इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव और नवार्ड फेज टू एग्जामिनेशन ओके तो वो चीजें आपको दिमाग में रखनी है ठीक है एंड uh, एक गाइडेंस के साथ में और अपनी स्ट्रेटेजी के साथ में डेफिनेटली यू विल परफॉर्म वेल इन फेज टू एग्जामिनेशन ओके अपनी तैयारी को बूस्ट कर दीजिए अच्छे से ओके okay. तो so, देखिए इसमें भी कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है मोस्टली चीजें हमारी सेम रहेंगी बिकॉज फर्स्ट वीडियो आई एम टेलिंग यू दैट तो बेसिक चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है मैं उस वीडियो पर्टिकुलर वीडियो से ही आपको वो चीजें बताता आ रहा हूँ राइट तो देर इज नथिंग मच स्पेशल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो फ्रॉम प्रीवियस ओके दैट आई एम गोइंग टू टेल इन दिस पर्टिकुलर पर्टिकुलर लेक्चर ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ माई एनालिसिस दैट आई डन Uh, by checking uh, the answer writing of uh, a lot of candidates around, I can say um, till the time I have around, I have came across around four hundred plus students, okay, who have uh, uh, written their answers, and I have checked those answers. So on the basis, on the behalf of the, that particular experience, I am sharing what normal or what uh, common mistakes that students or uh, candidates make while writing answers. Okay. और उससे एक बहुत बैड इंप्रेशन पड़ता है पड़ता है राइट इफ यू आर एग्जाम इफ़ यू आर एन एग्जामिनर एंड इफ यू आर चेकिंग सच एग्जाम इन विच यू नीड टू एनालाइज द माइंड सेट ऑफ दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट और पर्टिकुलर एस्पिरंट ठीक है इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट टू एनालाइज दैट ठीक है अगर आपके सामने मैं दो शीट्स रखूंगा एक शीट में किसी बच्चे ने ठीक है एक, एक एस्पिरेंट ने कैंडिडेट ने चीज़ों को बड़े

आप मुझे खुद बताइएगा ठीक है कि कौन सी आप शीट को या कौन से आंसर को आप ज्यादा एक एक मार्क्स या जो भी अपने तरीके से आप उसको ज्यादा बेहतर बताओगे ठीक है यू कैन टेल मी ओके तो जो चीजें मैंने एनालाइज करी है जो बच्चे मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से वो मार्क्स का जो फर्क एक आता है राइट अगर कहीं पे आप आराम से

वो एग्जामिनर जो है उसके पास इतना एक्सपीरियंस है कि वो पता नहीं कितने हजारों कैंडिडेट्स को एग्जामिन कर चुका राइट सो यू कांट मेक दैट पर्सन फूल ओके तो अपने आप को ज्यादा स्मार्ट ना समझिए राइट right? और चीजों को बेसिक सी चीजों को दिमाग में रखिए और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए दैट इफ यू आर रीडिंग समथिंग यू मस्ट हैव दैट एबिलिटी टू राइट द क्रक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉम्प्रीएसन और पर्टिकुलर टॉपिक यू मस्ट हैव दैट एक्सपीरियंस बिकॉज यू आर गोइंग टू है इन

देखो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा टॉपिक आ जाएगा जो आपने कभी सुना नहीं जिसके बारे में यू विल बी विल्ड वेरी सिंपल टॉपिक्स डे टू डे लाइफ में जो आपको मिलते रहेंगे सुनते सुनने को मिलते रहेंगे इफ़ यू रीड डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी बिट ईजी फॉर यू राइट इजियर फॉर यू नॉट आई कैन से दैट इजी बट या इट विल बी डेफिनेटली इजी बिकॉज यू विल हैव फैक्ट्स फिगर्स डेटा यू विल हैव दबिलिटी टू

ठीक है या फिर ऐसे राइटिंग की जगह माइट भी कॉम्प्रीएस आ जाए या प्रेसी राइटिंग की जगह आ जाए, है, know, right? उन्होंने रिपोर्ट है, है, है उसमें लेटर राइटिंग है ओके सो वो ऑप्शन में आपको मिल सकता है राइट right? वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा या हो सकता है कि एससे राइटिंग तो आपको मिलेगी हो सकता है प्रेसी राइटिंग की जगह आपको कॉम्प्रीशन मिल जाए नोस राइट सो यू हैव टू प्रिपेयर ऑल दीज नोटिफिकेशन ओके तो आपको एक तो वर्ड लिमिट जो जो मेंशन करी होगी मैं तो प्रेफर यही करूंगा to to limit, जो भी आपको है, है? अगर कोई सिनेरियो ऐसा होता है कि मान लो आपको कम लिखना पड़ गया ठीक है बट ट्राई ये करिए फर्स्ट प्रेफरेंस शुड भी जो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी कि अगर आपको मान लो थ्री फिफ्टी वर्ड में कर, लिखना है टॉपिक तो यू मस्ट कंप्लीट योर एसे राइटिंग एग्जैक्टली इन दीज वर्ड लिमिट राइट जो भी आपको वर्ड लिमिट मेंशन करी गई right? है टिक टू दिस दिस वर्ड लिमिट राइट नेक्स्ट सिंपल है बट इट इज वेरी वेरी कॉमन बिकॉज अलॉट ऑफ कैंडिडेट्स मेक दीज मिस्टेक्स अवॉइड पंक्चुएशन मार्क्स ठीक है जहां पे कॉमा फुल स्टॉप वट

इन सच अ वे कि जो आपकी एक कमी है तो दूसरी आपकी स्ट्रेंथ हो ठीक है तो रिप्रेजेंट करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा भी नहीं है किसी के पास बहुत ज्यादा नॉलेज है बहुत ज्यादा हाई फाई वोबुलरी वर्ड्स हैं एंड वो एग्जाम में बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर करने वाले इट इज नॉट लाइक दैट ठीक है यू मस्ट हैव दैट बैलेंस ठीक है बेसिक इंग्लिश चलेगी अगर आपको एक अच्छी एक एरर फ्री इंग्लिश आप वर्ड्स लिख सकते हो प्लीज डू दैट और रिप्रेजेंटेशन शुड बी वेरी वेरी क्लियर ठीक है एक अच्छी आर्टिकुलेट वे में आपको रिप्रेजेंट करना है चीजों को ठीक है और कंप्लीट ऑल दंसर्स अलॉट ऑफ कैंडिडेट्स ठीक है आ, अगर उनकी स्पीड अच्छी नहीं स्पीड अच्छी नहीं है तो क्या होता है कि वो पेपर ही छूट जाता उनका? है उनका ठीक है इट इज अ वेरी बैड थिंग यू मस्ट कंप्लीट योर एग्जामिनेशन यू मस्ट कंप्लीट ऑल योर आंसर्स ठीक है विद इन द दलोटेड पीरियड ऑफ टाइम टाइम को आप कैसे मैनेज कर सकते हो वो आपकी अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है आई एम आई एम नॉट गोइंग टू से आप ऐसे राइटिंग को फोर्टी मिनट्स दे दो

किसी की हो सकता है अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी हो ऐसा नहीं कि जो इंसान की रीडिंग अच्छी है वो अंडरस्टैंडिंग उसकी उसी लेवल पे होगी ठीक है ये तीन चीजें हैं जो ऐसा नहीं है कि हर इंसान में ये तीनों इक्वली होंगी थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती हैं बट यू मस्ट नो कि हाँ आपके अंदर कौन सी चीज जो है वो एक एफिशिएंट एक यू कैन से सफिशिएंट लेवल तक वो चीज आपके अंदर है ठीक है किसी की टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो वो थोड़ा सा रीडिंग में टाइम ले सकता है थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में टाइम ले सकता है ठीक है किसी की रीडिंग स्पीड अच्छी है तो थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंड करने में भी ईजी रहेगा टाइपिंग स्पीड में वो थोड़ा सा कम है मतलब टाइपिंग स्पीड उसकी अगर थोड़ी सी कम है तो उसको कॉम्पनसेट कर सकता है तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि कैसे आप किसको कौन से पार्ट को कितना टाइम देते हो दैट विल डिपेंड अपॉन योर स्किल राइट तो अपनी स्किल को आइडेंटिफाई करिए अपनी स्ट्रेंथ को अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करिए ठीक है उसके ऊपर काम करिए अकॉर्डिंगली ठीक है टिक टू वर्ड लिमिट

ठीक है? कहानी जैसी ना लगे कि आप अपनी मन से कहानी ही बना जा रहे हो ठीक है यू मस्ट एड सम डेटा एंड फिगर्स ओके यू मस्ट एड सम फैक्ट्स ओके तो ट्राई टू एड डेटा एंड फिगर्स फैक्ट्स इन दैट पर्टिकुलर जो भी आप ऐसे लिखोगे ओके okay? इससे क्या होगा जो आपका एक वेटेज जो बढ़ेगी जो कि आपको हेल्प करेगी अच्छा स्कोर करने में दैट विल बी दिस ठीक है आप खुद सोचो कि अगर एक बच्चा सिर्फ एक थ्रेटिकल चीजें लिखता जा रहा है लिखता जा रहा है उस चीज को ना कोई फैक्चुअल सपोर्ट दे रहा है ना कोई डेटा दे रहा है उसके लिए ठीक है और एक वहीं पे एक बच्चा ऐसा है है कि जिसने ठीक प्रॉपर फैक्ट्स के साथ में डेटा दिया है ठीक है कि अगर argument, help, facts, ठीक है? कि हाँ, दे रहे तो वाई यू आर जस्ट गिविंग दिस आर्ग्यूमेंट लाइक यू आर नॉट जस्ट गिविंग दिस आर्ग्यूमेंट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट ओके

आप या तो यूट्यूब पर देख सकते हो ठीक है या फिर आप रीडिंग की थोड़ी सी हैबिट डेवलप कर सकते हो जो कि इवेंचुअली इट विल हेल्प यू इन योर इंटरव्यू एज वेल राइट सो स्टार्ट डूइंग इट स्टार्ट डूइंग इट रीडिंग हैबिट को डेवलप करिए दिन का एक घंटा आराम से निकालिए एडिटोरियल पेज पढ़िए थोड़ा सा जो भी दिन दुनिया में क्या चल रहा है ठीक है कोई टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कुछ नया इन्वेंशन होता है या फिर कोई पोलिटिकली uh, कुछ इंपॉर्टेंट लगता है आपको ठीक है कुछ भी कोई चेंज आता है कोई ऐसी पॉलिसी आती है यू यू फील दैट मस्ट नो अबाउट इट ठीक है तो वो चीज मत करना कि जो नाइन्टी परसेंट लोगों को पता हो और आप उस 10 -10 लोगों में हो कि जो आपको पता है ना विल बी बिहाइंड द कॉम्पिटिशन राइट तो रीडिंग हैबिट को डेवलप करिए क्योंकि बिल्कुल जनरल से आपसे टॉपिक्स पूछे जाएंगे तो आपको थोड़ा सा भी उसके ऊपर फैक्ट्स का थोड़ा सा आइडिया रहेगा डेटा का आपके पास में थोड़ा सा एक एज हो जाता है राइट right? फिर इफेक्टिवली लिखना है आपको

यही चीजें वो देखने के लिए बैठे examiner की, हाँ, what you think? आप क्या सोचते हो ठीक है तो आपका भी perspective जाना है हाँ, आपका भी चाहते हैं कि इसके ऊपर क्या क्या है है आप किस तरीके से सोचते हो ठीक यू कैन डू दैट ऐसा मत सोचेगा कि हाँ की बिल्कुल लिमिटेड ही होके जाना है ठीक है कोई ऐसा हाँ बायस नहीं होना है आपको ठीक है इस चीज को दिमाग में रखिएगा नहीं होना है, है आपको एक बिल्कुल बैलेंस्ड वे में चीजों को लिखना है अगर आर्ग्यूमेंट दे रहे तो ऐसा ना हो कि आप ठीक है जैसा वो बोलते हैं राइट विंग लेफ्ट विंग वैसा कुछ नहीं कर रहे हैं आपको बस एक अपना एक जनरल से एक आपको एक अपना परसपेक्टिव बताना है इफ यू आर आज द सेम ओके तो किस तीन पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो इंट्रोडक्शन बॉडी पार्ट एंड देन योर कंक्लूजन ओके फिर आता है कंप्लीट राइटिंग ऐसी इन द वर्ड लिमिट जो आप, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पीछे भी ठीक है एग्जैक्टली exactly में एक अलग ही इमेज क्रिएट होती है ठीक है आपको राइट लाइस उसमें स्क्रीन पे दिख जाएगा कि कितनी वर्ड लिमिट आपने यूज करी है कितनी आपके पास में बची है ठीक है मतलब कितने वर्ड लिमिट पे आप हो इस टाइम ओके तो आप उस चीज को उस फीचर को यूज कर सकते हो ठीक है अगर एक्जैक्टली exactly इस पे आप मैंशन करोगे चीजों को अच्छे से सिंक्रोनाइज वे में लिखोगे विद द हेल्प ऑफ डेटा एंड फिगर टेल मी वन थिंग आप खुद सोचो यू आर अवॉइडिंग वेरी सिंपल मिस्टेक्स लाइक पंक्चुएशन मार्क्स ठीक है और यू कैन से स्पेलिंग मिस्टेक्स टाइपिंग मिस्टेक्स ओके टाइपिंग मिस्टेक्स हो सकती है बट एटलीस्ट स्पेलिंग मिस्टेक्स मत करिए राइट right? मिस्टेक्स पंचुएशन मार्क्स की वो जो आप गलती करते हो कहीं परमा नहीं है फुल स्टॉप मिस कर दिया ठीक है कहीं पर स्पेस नहीं दे रहे तो चीज़ों को ट्राई करो स्पेस प्रॉपरली दिया करो ठीक है अगर फुल स्टॉप लगाते हो तो उसके बाद में स्पेस दो सो so दैट पढ़ने वाले को भी अच्छा लगे वो चीज दिख जाए ऐसा ना कि बिल्कुल कंजस्टेड सा लिखा हो राइट अगर आप खुद सोचो इसको मैं यहाँ पे स्पेस ना दूँ तो कैसा लगेगा ओके तो इस चीज को सोचिए थोड़ा सा सेकेंड अगर आप उस चीज को प्रॉपरली सिंक्राइज वे में इंट्रोडक्शन देन बॉडी पार्ट देन आपने कंक्लूड करा उसको अच्छे से किसको अच्छा नहीं लगेगा इसको पढ़ने में ठीक है आराम से आप अच्छा स्कोर कर सकते हो ठीक है प्रेस राइटिंग एक ऐसी चीज है जिसमें आपको कॉम्प्रीहशन पढ़ना है अगर आपकी रीडिंग स्पीड थोड़ी सी अच्छी है अंडरस्टैंडिंग स्पीड अच्छी है आप इजीली यू कैन स्कोर ट्वेंटी प्लस इजीली जिसको बता रहा हूँ इजीली कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है आपको उसको समराइज करना है अपनी लैंग्वेज में अपने वर्ड्स में यू नीड टू डू दैट यू कैन जस्ट कॉपी एंड पेस्ट सेम लाइन्स एंड यू कैन जस्ट राइट इट ऑन दस पेपर राइट इट इट्स नॉट लाइक दैट यू नीड टू समराइज जो भी इंफॉर्मेशन दैट इंफॉर्मेशन होगी यू नीड टू समराइज दैट इंफॉर्मेशन इन योर ओन लैंग्वेज वो आपकी अंडरस्टैंडिंग देखना चाहते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके आप किस तरीके से उसको समराइज करते हो राइट right? ठीक है तो वो चीजें थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा ओके सिंपल इंग्लिश आप यूज करनी है आपको कोई हाई अगर आप नहीं उस लेवल पर आपको इंग्लिश आती है सेम यू जस्ट टू फोकस की आप जो लिखोगे दैट शुड भी वेरी वेरी इफेक्टिव वो आर राइटिंग वो आपकी इंग्लिश को जज करने नहीं बैठे की कि आप कितने बड़े यू आर नॉट शशिंगसप्रेस योर थॉट वट काइंड इन माइंड एंड हाउ डू यू एक्सप्रेस दोन द पेपर राइट दैट इज द मेन पार्ट ऑफ दिस एग्जाम ठीक है वो आपकी इंग्लिश को चेक करने कोई उनसे आपको आप आपसे उनको कोई पोइट्री या कोई बुक की पब्लिशिंग नहीं करवानी है राइट दे आर देयर टू चेक लाइक हाउ यू अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड हाउ यू एक्सप्रेस योर थॉट्स ऑन योर ओपिनियंस योर व्यूज ऑन एनी पर्टिकुलर टॉपिक इन योर ओन वर्ड्स कैसे आप उस चीज को एक्सप्रेस करते हो सिंपल इंग्लिश लिखो बट डू दैट इन अ वेरी वेरी रिप्रेजेंटेबल वे ओके तो ये ऐसे राइटिंग अब रीडिंग का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ठीक है कि आपको थोड़ा सा उसको केयरफुली रीड करना है थोड़ा फास्ट रीड करना है ठीक है रीड क्वेश्चन केयरफुली क्वेश्चन को पहले रीड करना है रिवर्स रीडिंग करनी है ये वो चीजें हैं जो आपका टाइम सेव करेंगी ठीक है टाइम सेव करेंगी जो कि आपको हेल्प करेगा स्कोर गेन करने में ठीक है ये आपको भी पता है अगर आपके पास टाइम होगा तो आप उस टाइम को कहीं और उठ कर सकते हो ठीक है तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू

बस एक चीज पे ध्यान दीजिए न्यूज पेपर पढ़ना स्टार्ट so आप आई होप दैट यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड रीडिंग न्यूज पेपर बट यू हैव एन टिल द टाइम प्लीज डू इट स्टार्ट डूइंग और डूंग न्यूज पेपर सो तो दैट आप जो भी कोई टॉपिक आपको आएगा उसके बारे में थोड़ी सी आपको इंफॉर्मेशन हो आपके पास में फैक्ट्स हो डेटा हो सो so दैट उसको आप एक अच्छे रिप्रेजेंटेबल वे में वहाँ पे लिख पाओ ओके okay? क्योंकि आप खुद सोचो अगर आपके पास में इंफॉर्मेशन नहीं है यू आर नॉट एबल टू राइट

कॉम्प्रहेंशन uh, के क्वेशनस के आंसर लिख दिए प्रेसी राइटिंग की जगह पे कॉम्प्रहेंशन लिख दिया जो भी उसके क्वेश्चन के आंसर थे और कॉम्प्रेंशन की जगह पे प्रेसी राइटिंग फिर बाद में बता रहे है कि सर प्लीज़ डू इट प्लीज़ इसको आप चेक कर लेना मिस्टेकनली हो गया टाइम कम था ये था वो था डोंट डू इट एक तो बच्चे क्वेश्चन छोड़ देते हैं बीच में टाइम कम होने की वजह से दे डोंट नो हाउ टू मैनेज टाइम सो उसके लिए क्या तरीका बताया जो भी तरीके मैंने बताए कॉम्प्रिहेंशन को कैसे अप्रोच करना है ऐसे राइटिंग के लिए क्या करना है कैसे लिखना है प्रेसी राइटिंग के लिए क्या करना है कैसे लिखना है ठीक है इनको यूटिलाइज करो इनको इम्प्लीमेंट करो सो so दैट आपको पता चले कि क्या आपको इससे आउटपुट मिल रही है और जो आउटपुट मिल रही है उसको आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो कैसे आप और उसको अच्छा कर सकते हो ओके तो क्वेश्चन आंसर के जो भी नंबरिंग को दिमाग में रख के ही उनके आंसर्स लिखना नंबरिंग डाल के ही आंसर्स लिखना जहाँ पे कॉम्पिटेशन है वहीं पे उनके आंसर्स लिखो प्रेसी राइटिंग की जगह पे प्रेसी राइटिंग लिखो राइटिंग की जगह पे एस सी राइटिंग लिखो इट शोज यूर मिसमैनेजमेंट इट शोज दैट यू आर नॉट कैपेबल टू मैनेज थिंग्स राइट अगर आप ऐसी इंक्लूडिंग ऑल दी इन एविटेबल पॉइंट जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो भी इन एविटेबल पॉइंट्स हैं आई दट फैक्ट्स डेटा उनको प्लीज लिखिए आंसर्स में लिखिए ओके okay? चले फिर नेक्स्ट देखिए राइटिंग की बात करता हूँ इस पर मैं ऑलरेडी बात भी कर चुका हूँ एक तो पैराग्राफ को अच्छे से रीड करिए क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा ऐसा नहीं बोल रहा कि इसको आप जल्दी से कर लोगे बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रीड द पैराग्राफ उसको आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि किसके बारे में है क्या है ठीक है उसके बाद में उसको आपको समराइज करना है उस पैराग्राफ को जो भी वर्ल्ड लिमिट यूजली वन ट्वेंटी के आसपास होती है ठीक है तो आपको इतनी वर्ल्ड लिमिट में समराइज करना पड़ेगा इट कैन बी डिफो ठीक है चेंज करता रहता है तो फिक्स नहीं बट हां इतनी मिनिमम होती ही होती है ठीक है क्योंकि प्रेसी राइटिंग को आपको वन थर्ड में करना होता है समराइज जो भी भी जितने वर्ड्स लिमिट वर्ड लिमिट रही होगी तो आपको बता देगा कितने में आपको समराइज करना है ठीक है अगेन स्टिक टू वर्ड लिमिट अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स ये तो हर चीज में हर एक जो भी आपका जोन है आइदर दैट इज रीडिंग कॉम्प्रेशन आइदर दैट इज एस राइटिंग और प्रेसी राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग और लेटर राइटिंग है, हर चीज में इट इज ओके उस चीज को दिमाग में रखिएगा करिएगा अपनी ही लैंग्वेज में अपने ही वर्ड्स में ठीक ठीक है है मत करिएगा पकड़ लेगा डेटा एंड फिगर का कैसे आप उसको यूटिलाइज करोगे दैट विल डिपेंड अपॉन यू ठीक है डेटा एंड फिगर जो भी मैं होंगी अगर है तो आप उसको वहां पे डाल सकते हो अदरवाइज नहीं है तो जो भी आपको दिया है उसको अच्छे से अपनी अपने वर्ड्स में उसको समराइज करिए ठीक है इंक्लूड ऑल द इंपॉर्टेंट है ऐसा मत करना कहानी के चक्कर में ठीक है आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दो जो कि हो सकता है उस पर्टिकुलर जो कॉम्प्रशन था उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो डोंट डू दैट ओके उसके लिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा तभी आप उसको अच्छे से समराइज कर पाओगे इंक्लूडिंग ऑल दबल पॉइंट्स ओके तो आई होप इन चीजों को आप इंप्लीमेंट करोगे ठीक है एक बार कर देता हूँ मैं ठीक है फॉर्मल लेटर राइटिंग का ही आपको मैं बता रहा हूँ ठीक है एक बार पहले बता चुका हूँ ठीक है सेम है सेंडर से लिखोगे फिर डेट लिखोगे रेसिपियंट का नाम और उसका नीचे एड्रेस लिखोगे नीचे ठीक है नोट इन और यहाँ पे जो भी रहेगा आपका रिस्पेक्टेड ठीक है सेल्यूटेशन में जैसे रिस्पेक्टेड सर मैम जो भी है ठीक है अगर थोड़ा सेमी इनफॉर्मल सेमी फॉर्मल है तो आप डियर लिख सकते हो ठीक है बट आई विल प्रेफर कि आप फॉर्मल लेटर राइटिंग ही चूज करो क्योंकि इससे थोड़ा सा आप थोड़े से फॉर्मल जब एक क्योंकि ऑब्वियसली ग्रेड एग्जामिनेशन है तो ट्राई करिए कि फॉर्मल वर्ड्स का यूज करिए तो उसके लिए फॉर्मल लेटर राइटिंग का ही यूज आप प्रेफर करिए तो ज्यादा बेटर रहेगा ठीक है सब्जेक्ट अगेन ई सेमिकॉलन ठीक है पैराग्राफ के फॉर्म में लिखिए एटलीस्ट टू टू थ्री पैराग्राफ ठीक है टू टू थ्री पैराग्राफ्स की फॉर्म में उसको लिखिए रायदर राधर देन जस्ट वन पैराग्राफ ठीक है rather, rather और लास्ट में जो भी आप अपना योर सिंसियरली योर स्टोरली जो भी आप अपना लिखोगे यू कैन डू ओके बात समझ आई बट प्रेसी राइटिंग को दिमाग में रखिएगा अब चीजों को मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूँ सिंप्लीफाई करता हूं आपके लिए जस्ट मोमेंट, देखिए सेवेंटी प्लस स्कोर करना आई कैन से मुश्किल भी है और नहीं भी बताइए क्यों देखिए मुश्किल इसलिए होगा क्योंकि अगर आपकी बेसिक्स जो है आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है ठीक है अगर आपके बेसिक्स जो है उनके ऊपर कमांड नहीं है आपकी तो चीजें आपके लिए मुश्किल होंगी फॉर एग्जाम्पल आपकी इंग्लिश चलो मान लेते हैं अच्छी नहीं है ठीक है लेटस पोज फिर साथ में आपकी रीडिंग स्किल भी अच्छी नहीं है ठीक है रीडिंग स्किल के साथ में आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी नहीं है क्योंकि आपने कभी जिंदगी में न्यूज नहीं पढ़ा या कुछ ठीक है अगर आपने टाइम ही नहीं दिया उस चीज के लिए तो अंडरस्टैंडिंग में भी कमी आ जाएगी ओके तो अगर आपकी तीन चीजें ही अच्छी नहीं है तो फिर इट इज नॉट गोइंग टू बी अ कप ऑफ अ केक फॉर यू राइट यू नीड टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इन अपकमिंग डेज ओके अब जिनकी इन चीजों में से मान लो इंग्लिश आपकी एवरेज है आपकी रीडिंग स्किल को आप इंप्रूव कर सकते हो ये आपके हाथ में है अगर रीडिंग स्किल इंप्रूव हो जाएगी तो अंडरस्टैंडिंग की स्किल भी आपकी हो जाएगी ठीक yes no? है तो इन दो चीजों से आपको क्या करना है इंग्लिश को आपको अगर एवरेज भी है आप एक अच्छी डिसेंट इंग्लिश लिख सकते हो तो इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट फॉर यू ठीक है आप इजीली स्कोर कर लोगे वहां पे सेवेंटी प्लस अब देखिए कैसे उसके लिए समझिए चीजों को बेसिक्स पे आपको ध्यान देना है ठीक है बेसिक्स लाइक मार्क्स ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हो स्पेलिंग मिस्टेक्स मिस्टेक्स मार्क्स की जो आप करते हो या फिर टाइपिंग मिस्टेक इस पे आपको काम करना है साथ में टाइपिंग पे काम करते रहिए थोड़ी सी टाइपिंग स्पीड आपके लिए एक एज देगी टाइपिंग स्पीड पे काम करिए ठीक है रीडिंग करिए ठीक है उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी टाइपिंग से आपकी स्पीड बढ़ेगी अब इन दोनों का यूज करके आप क्या करोगे आप एक और काम कर सकते हो आप जो भी टॉपिक को पढ़ोगे ट्राई करिए उसको अपने लैंग्वेज में अपने वर्ड्स में समराइज करने का प्रेसी राइटिंग ईजी है क्योंकि आप खुद सोचो आपको पैराग्राफ दे रखा है आपको उसी को पढ़ के उसी में से कक्ष निकाल के उसको समराइज करना है बताइए इससे ईजी कुछ हो सकता है क्या आपको उसको पढ़ के उसी को समराइज करना है ठीक yeah. है अपनी लैंग्वेज में डेट्स ऑल तो उसके लिए आपको थोड़ी सी रीडिंग की हैबिट डालनी पड़ेगी सो so दैट आप उसको कैसे पढ़ते हो कितनी जल्दी पढ़ते हो कैसे कैसे अंडरस्टैंड करते हो दैट मैटर आप प्रेसी राइटिंग में स्कोर कर सकते हो ठीक है प्रेसी राइटिंग में इजिली आप ट्वेंटी ट्वेंटी प्लस आराम से स्कोर कर लोगे आराम से बता रहा हूं ठीक है? अब इन चीजों का दिमाग में ध्यान रखे ऐसे नहीं कि आपको ना टाइपिंग स्पीड अच्छी है ना आपको रिप्रेजेंट करना आ रहा है चीजों को ठीक है उसके लिए आपको रीडिंग स्किल पे फोकस करना पड़ेगा रीडिंग स्किल के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी एंड अलोंग विद द सेम यू विल बी यू इजिल बी एबल टू राइट जो भी आपको लिखना है इन योर ओन लैंग्वेज इन योर ओन वर्ड्स इन प्रेसी राइटिंग सो यू विल बी एबल टू स्कोर ट्वेंटी प्लस इजीली नाउ लेट कम टू एस ए पार्ट ठीक है ऐसे पार्ट में क्या करना है आपको यू हैव टू डू वन थिंग सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है आपको उस पे सबसे ज्यादा फोकस करना है वो चीजें सब कुछ सेम रहेगा दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल योर पंक्ुएशन मार्क्स सेकेंड योर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम से कम करनी है थर्ड योर टाइपिंग मिस्टेक ठीक है अगर ये चीज तीन चीज़ों पे काम कर लेते हो फोर्थ हाँ आपको उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करना है ठीक है जिसके लिए मैंने आपको बता दिया तीन पार्ट्स इंट्रोडक्शन बॉडी पार्ट एंड देन कंक्लूजन पार्ट, पार्ट। समराइज करना है अच्छे से ठीक है लिखना अच्छे से है उसको रिप्रेजेंट अच्छे से करना है ईजी वर्ड्स ईजी लैंग्वेज को यूज करके ही आप उसको अच्छे से लिख सकते हो अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो ठीक है बट फॉर दैट यू मस्ट नो दैट वट यू नीड टू राइट एंड वट यू डोंट ओके और वो तभी आएगा जब आपकी रीडिंग स्किल होगी जब आपने चीजों के बारे में पढ़ा होगा कोई टॉपिक आपके लिए आता है वहां पे आपने उसके बारे में पढ़ा होगा इफ़ यू हैव ठीक है इंफॉर्मेशन होगी आपके माइंड में तभी आपका माइंड उसको प्रोसेस कर पाएगा ड्यूरिंग एस राइटिंग ठीक है और ये इंफॉर्मेशन कहा से आएगी यू मस्ट अवेयर ऑफ जनरल टॉपिक्स जो भी डे टू डे लाइफ में इंपोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं या इंपॉर्टेंट चीजें हो रही हैं ठीक है कोई बड़ा इतना हवा नहीं आ जाएगा राइट right? तो इस पर आपको फोकस करना है अगर रीडिंग कॉम्प्रीटेंशन आ जाता है आर सी तब तो, तो सबसे ईजी है ये ईजीएसट पार्ट है टाइम टेकिंग होगा बट ईजी होगा स्कोर करने के लिए ईजीली आप इसमें थर्टी प्लस स्कोर कर सकते हो ठीक है तो थर्टी मान के चल रहा हूँ ट्वेंटी इसमें मान के चल रहा हूँ फिफ्टी तो, तो यहीं पे हो गई अगर रीडिंग कॉम्पिटेंशन आता है अगर ऐसे राइटिंग आता है तो इसमें भी अगर आप थोड़ा सा जो चीजें मैंने आपको बताई तो आराम से आप ट्वेंटी फाइव टू थर्टी के बीच में स्कोर कर सकते हो आराम से बेसिक सी चीजों का दिमाग में ध्यान रख के अच्छे से उसको रिप्रेजेंट कर, करके बॉडी पार्ट इंट्रोडक्शन पार्ट बॉडी पार्ट देन कंक्लूजन पार्ट थोड़ा सा ऐड करके डेटा फैक्ट्स इजीली आप पच्चीस से तीस के बीच में स्कोर कर लोगे ठीक है और लेटर राइटिंग वो इतना डिफिकल्ट नहीं है ठीक है इजी है उसमें भी आपको उसका बॉडी का स्ट्रक्चर दिमाग में रखना है वो मिस्टेक्स नहीं करनी है ठीक है और आराम से आप सेवेंटी प्लस स्कोर करोगे ठीक है थर्टी मार्क्स का ये होगा फोर्टी का ये होगा और थर्टी का वो होगा लेटर राइटिंग में भी आप ट्वेंटी प्लस आराम से स्कोर कर लोगे आराम से बता रहा हूँ इसमें आप ट्वेंटी फाइव के ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी टू ट्वेंटी फोर ऐसे भी स्कोर कर सकते हो आराम से ट्वेंटी प्लस इजिले राइटिंग में थोड़ा सा अगर आप ट्रिकी इसलिए होता है क्योंकि बच्चे अपने लैंग्वेज में अपने वर्ड्स में उसका क्रक्स नहीं लिख पाते समराइज नहीं कर पाते ठीक है उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ठीक है ऐसा भी नहीं है कि आप उठ के चले जाओगे आप सोचोगे सर ने बताया था सेवेंटी प्लस आराम से स्कोर कर लोगे आराम से तभी कर पाओगे जब आप इन चीजों पर काम करोगे जो भी मैंने आपको बताई आज ठीक है ओके और इसी को थोड़ा सा एनहांस करने के लिए वट यू कैन डू यू कैन गो फॉर आर नबार्ड ग्रेड ए ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री जो कि टेस्ट सीरीज होगी ऑनलाइन आपको प्रॉपरली वैसा ही एक्सपीरियंस दिया जाएगा जैसा कि आपको एग्जाम में एक्चुअल में करना पड़ेगा

ट इज योर स्ट्रेंथ वट इज योर वीकनेस उसके तरीके से उसके हिसाब से यू नीड टू इंप्लीमेंट ऑल दीज थिंग्स आप उसके अकॉर्डिंगली इनको इंप्लीमेंट करिए डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा इसमें कोई भी दो राय नहीं है ओके तो चलिए आज के सेशन को यही पे विराम देते हैं मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय जय हिंद जय भारत